इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड मूवी वाई चैट इंडिया को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छी रेटिंग दी है। देश के एजुकेशन सिस्टम में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार को दिखाती मूवी अपने कंटेंट की वजह से चर्चा में बनी हुई है। इमरान हाशमी ने मूवी प्रमोशन के मद्देनजर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो में शिरकत की, जहाँ वह फिल्म की हीरोइन श्रेया के साथ पहुंचे। इमरान ने इंस्टाग्राम पर कपिल के साथ तस्वीरें शेयर किए, जिनमें नवजोत सिद्धू, भारती सिंह, गुरु रंधावा नजर आ रहे हैं। इमरान ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में कहा, टीम वाई चैट इंडिया की टीम ने कपिल के शो में जाकर शानदार मस्ती की, इस वीकेंड इस पागलपन का मजा उठाए और हमारी फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघर में जाके देखे। इस शनिवार रविवार को कपिल के शो में इमरान हाशमी की फिल्म स्टार कास्ट के साथ कॉमेडी का रंग जमेगा। बता दें कि वाई चैट इंडिया की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। लोगों ने इस फिल्म की कहानी को दमदार बताया है। इमरान हाशमी को रोग भी सराहना की गई है। इस एक्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। वाई चैट इंडिया इमरान हाशमी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। फिल्म में वो अपने सीरियल किसर की इमेज को तोड़ते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते सिनेमा गदों में चार फिल्में वापस टकरा रही है, वाई चैट इंडिया, अलावा बॉम्बे, रंगीला राजा, फ्राइड। चारों फिल्मों वाई चैट इंडिया की सबसे चर्चा हो रही है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान हाशमी की फिल्म का फर्स्ट लुक डे कलेक्शन 2.2 करोड़ से 3 करोड़ तक हो सकता है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक वाई चैट इंडिया का